हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम फिर रेसिपीज। आज हम बनाएंगे बंगाल स्पेशल रसगुल्ला। आप देख सकते हो रसगुल्ला कितने बड़े स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं और उतने ही पोरस भी हैं। सॉफ्ट स्पॉन्ज रसगुल्ला बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर फुल फैट दूध लिया है। दूध को एक बर्तन में डालकर इसे उबालने के लिए रखेंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है, हम दूसरे साइड पे नींबू को निचोड़कर उसे डाइल्यूट करेंगे। मैंने एक पूरा नींबू लिया है। आपके पास छोटे नींबू है तो आप दो भी यूज कर सकते हो। नींबू के बदले में सिट्रिक एसिड या विनेगर भी यूज कर सकते हो। नींबू में पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट करके रखेंगे। दूध में आपको कटची लगातार चलाना है ताकि मलाई सेपरेट ना हो या दूध बॉटम में चिपके ना। जब अच्छे से दूध उबल जाएंगे, गैस को बंद कीजिएगा और दूध को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। उबलते हुए दूध में नींबू मत डालिएगा। दूध को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसमें नींबू मिलाएंगे। उबलते हुए दूध में नींबू मिलाने से आपका छन्ना थोड़ा सा हार्ड बनेगा, या फिर आप उबलते हुए दूध में थोड़ा सा पानी मिलाइएगा ताकि दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, तब जाके आप इसमें नींबू ऐड कीजिएगा। अब इसमें कड़ची चलाएंगे ताकि छेना इजीली इसमें से सेपरेट हो जाए। अब देख सकते हो छेना सेपरेट होना शुरू हुआ है। आप इसमें कड़ची चलाते रहिएगा, पूरी तरीके से छेना सेपरेट हो जाएगा। छेना को मलमल के कपड़े या कॉटन के कपड़े में डालकर इसे छान लेंगे। एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर के अंदर कपड़ा डालकर रखिएगा पहले से ही, ताकि जैसे ही छेना सेपरेट हो जाएगा इसे हम छान सकें। कपड़ा को हल्का हल्का हिलाइएगा ताकि इसमें से पानी है पूरी तरीके से नीचे चला जाए। नीचे का पानी को हटाएंगे और दूसरा पानी से इसे हम धो लेंगे। इस प्रोसेस को आप जल्दी जल्दी कीजिएगा ताकि आपका छेना जो है सॉफ्ट रहे। अब छेना को फ्रेश पानी से धो लेंगे ताकि इसमें से नींबू का खटास चला जाए। अब इस कपड़ा को इकट्ठा करेंगे और छेने के अंदर से पूरा पानी निकालेंगे। इसे थोड़ा सा स्क्वीज कीजिएगा और इसे 1 घंटे के लिए साइड पे रख दीजिएगा ताकि इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद इस छेने को हम लेंगे और इसे नीड करेंगे। आप देख सकते हो छेना या पनीर कितना अच्छे से बना है। अब इसे हम नीड करेंगे और इसे सॉफ्ट बनाएंगे। छेना को मसल मसल कर नीड करना होगा ताकि ये पूरा इकट्ठा होकर डो बन सके। बाय चांस आपका छेना मॉइस्ट रहता है तो आप उसमें 1 या 1.5 चम्मच मैदा मिलाइएगा और उसका डो बनाइएगा। अब हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। 1.5 लीटर दूध से मैंने यहाँ पे 16-17 रसगुल्ला बनाया है। इसी तरीके से आप रसमलाई भी बना सकते हो। अगर आपको रसमलाई की रेसिपी चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी ही रसमलाई का वीडियो पोस्ट करूंगी। ऐसे ही सारे रसगुल्ला को बनाएंगे। ध्यान रखिएगा सारे रसगुल्ले का साइज सेम हो। जब तक चाशनी बनाएंगे इसे हम ढक के साइड पर रख देंगे। चाशनी बनाने के लिए आपको बड़ा सा बर्तन लेना होगा। उसमें हम 2 कप शुगर डालेंगे और 8 कप पानी डालेंगे। रसगुल्ला उबलने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा और रसगुल्ला फूल के डबल बन जाएंगे। इसके लिए आपको चाशनी बनाते समय में बड़ा सा बर्तन लेना होगा। इसमें हम 5 इलायची को तोड़कर डालेंगे और इस चाशनी को उबलने के लिए ढक के रखेंगे। अगर आपके चाशनी में थोड़ा सा मैल है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालिएगा। जब दूध उबलकर फट के ऊपर आएगा इसे आप छन्नी के सहायता से निकाल लीजिएगा। जब चाशनी अच्छे से खोलने लगेगा हम इसमें रसगुल्ला डालेंगे और इसे उबालेंगे। पहले हम रसगुल्ला को 5 मिनट के लिए हाई हीट पे ढक के उबालेंगे। रसगुल्ला को उबालते समय में ढकना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और रसगुल्ला बनाते समय में आप बड़ा बर्तन में बनाइएगा ताकि जितने साइज का आप रसगुल्ला पहले बनाते हैं उबलने के बाद वो डबल हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। 5 मिनट होने के बाद इसका लिड ओपन करेंगे और इसे हल्के हाथ से मिलाएंगे। रसगुल्ला में ज्यादा कच्ची मत चलाइएगा, रसगुल्ला टूट सकते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। छेना को बहुत ज्यादा स्क्वीज करने से और उसमें से पूरा पानी निकालने से छेना बहुत ज्यादा ड्राई हो सकता है और रसगुल्ला पानी में उबलते समय में टूट सकता है। आप देख सकते हो रसगुल्ला साइज में डबल हो चुके हैं। अब हमारा रसगुल्ला रेडी है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इसे 6 से 8 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखिएगा, बाद में ही इसे सर्व कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप इस रेसिपी को प्लीज ट्राई कीजिएगा। रसगुल्ला बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए रसगुल्ला कितना स्पॉन्जी बने हैं और अंदर से बहुत ही ज्यादा पोरस बने हैं। आपको कोई और रेसिपी देखना है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी ही उस रेसिपी को अपलोड करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।